नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। मंत्री प्रभु चौहान को बीदर जिला प्रभारी मंत्री पद से हटाया गया। बैंगलोर, कर्नाटक में 100% पात्र आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक लगी, स्वास्थ्य मंत्री। बैंगलोर, दक्षिणी रेलवे 3 नई ट्रेनें शुरू करेगा, प्रस्ताव 2022 IRTTC बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है, जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। बैंगलोर, ट्रेन में संदिग्ध बैग में 1.88 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कर्नाटक, पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट देखकर नहीं साबित कर सकते अवैध संबंध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला को दी राहत। कोलार, RL जल्लप्पा द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के अधिकार के लिए पारिवारिक संघर्ष, विरोध प्रदर्शन। कोरोना वायरस का खतरा बेंगलोर में मुंबई से 10 गुना ज्यादा। देवेगौड़ा ने इंडिया गेट पर बोस की प्रतिमा लगाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। कर्नाटक सरकार ने UG छात्रों के लिए अनिवार्य कन्नड़ को खारिज किया। शिवमोगा, प्रकाश ट्रेवल्स के मालिक की लाश का पता लगाए। बैंगलोर, माणिक शाह परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी। क्रेडिट कार्ड कॉल सेंटर के नाम पर 85 लोगों को ठगी। बादामी नगर कांग्रेस में बागलकोट जिला, गदग, बेतागिरी नगर पालिका में भाजपा की हिस्सेदारी। मंत्री परिषद विस्तार पर भाजपा आलाकमान लेगा फैसला, बोमे ने कहा। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू हटाए जाने के बावजूद ज्यादातर लोग घरों में ही रहे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया आदमी। बैंगलोर, 49 वर्षीय पत्रकार गंगाधर मूर्ति की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाली बैंगलोर की लड़की से मोदी ने की बात। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र विकल्प नियमों का पालन करना है। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।